हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए आज मैं बहुत ही प्यारा क्रोशे का डिज़ाइन लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। इसे बनाना बहुत आसान है। ये देखिए इस तरह से मैं ये फंदा बनाऊंगी इस तरह से, और फिर एक इस तरह से डबल क्रोशिया लूँगी। दो तीन चार, और इसी तरह से मैं 12 यानी 12 डबल क्रोशिया बनाती चली जाऊंगी। इसी तरह से 12 डबल क्रोशिया बनाती चली जाऊंगी मैं। बारह डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस तरह से देखिए इस तरह से मैं लास्ट में सिंगल फंदे से इस तरह ज्वाइंट कर दूंगी, और फिर इस तरह से तीन चेन बना लूँगी। फिर आगे के डबल क्रोशिया से डबल क्रोशिया बना लूँगी उसी से, इस तरह से आगे मैं इसी तरह से डबल क्रोशिया बनाती चली जाऊँगी। और हमारे 12 डबल क्रोशिया थे, अब मैं 24 यानी 24 डबल क्रोशिया बना लूँगी इसी तरह से। डबल क्रोशिया बनाती चली जाऊँगी मैं इस तरह से। लास्ट तक इसी तरह से मैं जो 3 फंदे की चेन बनाई थी, 3 बार मतलब सिंगल फंदे की चेन, उससे ज्वाइन कर दूंगी ये 24 डबल क्रोशिया बनाने के बाद। फिर 3 बार 3 चेन बनाकर फिर मैं डबल क्रोशिया बनाती चली जाऊंगी।
इस तरह से 36 डबल क्रोशिया बनाती चली जाऊंगी पूरे में। अब मैं ये ग्रीन कलर का धागा लगाऊंगी इस तरह से। दो डबल क्रोशिया एक ही जगह से ग्रीन और दो डबल क्रोशिया सिंगल सिंगल से क्रीम कलर के, इसी तरह से मैं पूरे पे बनाती चली जाऊंगी डिज़ाइन।
इसी तरह सिंगल फंदे से मैं लास्ट में जोड़ दूंगी। उसके बाद फिर मैं इस धागे को छोड़कर ग्रीन कलर का धागा कट कर दूंगी। और क्रोशे के ऊपर एक सिंगल फंदा बनाऊंगी इस तरह से। थ्री चेन बनाकर दो डबल क्रोशिया बना लूँगी, यानी तीन डबल क्रोशिया इस तरह से, तीन डबल क्रोशिया। इस तरह से सिंगल फंदे से यूँ बुन दूँगी, फिर दो बार सिंगल फंदे की चेन फिर उसी जगह से तीन डबल क्रोशिया और इस तरह से सिंगल फंदे से बुन देना और फिर चार सिंगल फंदे की चेन इस तरह से।
फिर तीन डबल क्रोशिया यानी फोर डबल क्रोशिया, चार डबल क्रोशिया इस तरह से, आगे फ्लावर से सिंगल फंदा दो बार,
तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये लास्ट तक ऊपर चेन बना दी है 6 बार सिंगल फंदे से बुनकर, जो देखने में कितना प्यारा लग रहा है। अगर पसंद आए हो तो ज़रूर बना कर देखिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, जिससे और भी प्यारे प्यारे वीडियोस देखने को मिलते रहें आप लोगों को। और मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।